हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लखनऊ के फेमस गलावटी कबाब की रेसिपी अपने अंदाज में। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। गलावटी कबाब बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम मटन का कीमा लिया हुआ है। ये मशीन का ही है, ये बहुत ही बारीक है। तो सबसे पहले ये आप गर्म मसाले देख लीजिए, ये मैंने 1 टीस्पून सौंफ ली हुई है, ये 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काला ज़ीरा और ये कुछ काली मिर्चें हैं, थोड़ी सी लौंग है, 1 तेज़पत्ता है, 1 ये जावित्री का फूल है और ये मैंने बड़ी इलायची 1 ली है, उसको मैंने छील लिया है और ये एक फूल है स्टार नाइस और ये कुछ कबाब चीनी है और इस सब का हमें एक पेस्ट बनाना है। ये कुछ काजू हैं और थोड़ी सी गुलाब की ये पंखुड़ियाँ हैं सूखी हुई, ये चिरौंजी है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ये नारियल का ये चूरा है और ये 1 टीस्पून खशखश है और इन सबको हमें एक फाइन पेस्ट तैयार करना है इसका। तो सबसे पहले हम इसमें कीमे में ये रॉ कच्चा पपीता हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून। ये आपको उसके छिलके के साथ ही इसको ग्राइंड करना है और इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये 1 टीस्पून ग्रीन चिली और कोरिएंडर का ये पेस्ट है और ये गरम मसाले का ये पेस्ट है जो मैंने अभी ग्राइंड किया है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। और ये वो वाला जो पेस्ट है जो मैंने अभी गुलाब और काजू वाला जो पेस्ट अभी इसको ग्राइंड किया है ये वो है। और ये गोल्डन ब्राउन अनियन का ये पेस्ट है, इसको मैंने 1 अनियन ली थी मीडियम साइज की, इसको मैंने गोल्डन ब्राउन करके इसका अच्छे से मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वन एंड हाफ टी स्पून ये सॉल्ट है, सॉल्ट आप एज पर टेस्ट ऐड कर लीजिएगा और चिली, और ये 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर है और ये 1/2 लेमन जूस है। अब मैं इसमें 1 टी स्पून, 2 टी स्पून और ये 3 टी स्पून ऑफ बेसन मैं ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने रोस्ट कर लिया हुआ है। अब मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कीमे में सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने ये एक कोयला लिया हुआ है, इसमें मैं एक थोड़ा सा तेल ऐड करके और इसको कवर करके रख दूँगी एक स्मोकी टच देने के लिए। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जो ये कीमा लिया हुआ है इसमें 10% फैट मिक्स है और इसको मैं 2.5 आवर के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। ये देखिए कीमा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, मैंने जो इसमें कोयला ऐड किया था स्मोकी टच के लिए उसको मैंने 40-50 सेकंड के करीब ही बस उसमें रखा है, फिर मैंने निकाल लिया है। जब मैंने गरम मसाला ग्राइंड किया तो उसमें मैंने 3 से 4 छोटी इलायची ऐड कर दी थी और 1 इंच का दालचीनी का पीस ऐड कर दिया था। तवा हीट हो रहा है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं और अपने कबाब को फ्राई करते हैं। मैंने कबाबों को देखिए इस पे ऐड कर दिया है, थोड़े थोड़े बैचेस में हम फ्राई करेंगे और देखिए ये बहुत उम्दा होते हैं और झटपट नून बिल्कुल घुल जाते हैं। इसको हम मीडियम फ्लेम पर भी इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी ग्रीसिंग कर देंगे ऑयल की। 4-5 मिनट्स अभी हम इसको ऐसे फ्राई करेंगे
मीडियम फ्लेम पर और देखते रहेंगे कि एक तरफ हो जाएगा तो दूसरी तरफ पलट देंगे। देखिए नाइफ की मदद से हम इसको स्विच कर रहे हैं। आप इसको एज अ स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं और मील में भी ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। शीरमाल के साथ, पराठे के साथ आप खा सकते हैं। देखिए मैंने सारे पलट लिए हैं। अब ऑयल को थोड़ा सा और थोड़ा सा इसमें ग्रीजी कर देंगे ऑयल से। ये अच्छी खुशबू उड़ रही है हमारे घर में। ये आप देख सकते हैं कबाब अच्छे से सिक गए हैं। दोनों तरफ से मैंने अलट पलट करके अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। व्यूवर्स, आप ये देख सकते हैं कि ये गलावटी कबाब की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुंह में रखते ही बिल्कुल खुल जाते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।